हे फ्रेंड्स, वो आपसे क्यों नाराज़ किया, कब ख़त्म होगी आप दोनों के बीच की ये नाराज़गी। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपसे नाराज़ होने की क्या वजह है, क्या रीज़न है इस बात का। अगर आपको नहीं पता है कि वो आपसे नाराज़ क्यों हैं, तो आपको एच डी या ओ में से अल्फ़ाबेट चूज़ करना है, देन आपका आंसर देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए आंसर है एच वाले अल्फ़ाबेट का। इसमें कोई बात आपकी बुरी लगी है उसको, जिस वजह से वो आपसे नाराज़ ही हैं, सो आपकी ही कोई बात उन्हें बुरी लगी है, हर्ट हुई है। टी अल्फ़ाबेट का आंसर आप देखते हैं, इसमें नाराज़ होने की वजह आप नहीं हो, वो आपसे इसीलिए नाराज़ होने का बहाना कर रहे हैं ताकि कुछ टाइम के लिए आपसे दूर रह सकें। देन इसके बाद ओ अल्फ़ाबेट का आंसर है, आपके डाउट और बार बार मैसेजेस और कॉल करने की वजह से वो आपसे नाराज़ हैं, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। देन इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक है कि अगर वो आपसे नाराज़ हैं तो कब ख़त्म हो सकती है दोनों के बीच की नाराज़गी। एस एन के अल्फ़ाबेट चूज़ करके आंसर देखो अपना। एस अल्फ़ाबेट का आंसर सबसे पहले आपके लिए है, इसमें कुछ टाइम लग सकता है आप दोनों के बीच की नाराज़गी ख़त्म होने में, कुछ टाइम लग सकता है, अभी तो नहीं होने वाली फ़ौरन। एन अल्फ़ाबेट का आंसर इसमें है आपका, कुछ डेज में ख़त्म हो सकती है दोनों के बीच की जो भी नाराज़गी हैं वो सब कुछ। लास्ट अल्फ़ाबेट है आपके लिए के, अब देखते हैं आंसर। आप दोनों के बीच की नाराज़गी का ख़त्म होना मुश्किल है, हो सकता है ये नाराज़गी अब ख़त्म ना हो। बाय।